देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। संक्रमितों की संख्या 52,000 के पार चली गई, वहीं 1,700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 मरीजों की संख्या के लिहाज से भारत 15वें स्थान पर है, लेकिन रोज मिलने वाले मरीजों के मामले में 5 सबसे खराब हालात वाले देशों में शामिल हो चुका है। पिछले 6 दिनों का ग्राफ देखें तो 1 मई से 6 मई के बीच 704 लोगों की मौत हुई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा स्पाइक देखने को मिला। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में 428 केस मिले हैं। यहां पर कोरोना के कुल 5,532 केस हो गए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब भी कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं। केरल में अब तक संक्रमण से 500 से अधिक मामले संक्रमण के सामने आए हैं। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मार कोरोना की झेलनी पड़ रही है। दुनिया भर में, देश भर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत किरण, देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत चिंता का विषय ये लगातार होता जा रहा है। किस प्रकार के नए इंतजाम, किस प्रकार की कोई नई टेक्निक इजाद हुई इस वायरस से लड़ने के लिए? देखिए मनीषा, आज जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने बताया जी कि कुछ रिसर्च का काम किया जा रहा है, क्लिनिकल, ये कहा जाए कि क्लिनिकल ट्रायल आज से शुरू कर दिया गया है। CSIR की तरफ से, ICMR की तरफ से जो कि दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा, वो लोग जो कि हाई रिस्क जोन में, हाई रिस्क में आते हैं, उनके ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा ताकि कोरोना जो है उसे लड़ने के लिए लोग एक तरीके से दवाई का ही काम करेगी ये। और ये कहा जाए कि आयुष मंत्रालय के सब देख रेख में ये किया जा रहा है ताकि अगर दवाइयां, वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है तो ये जो है एक दवाई का काम करे। वो लोग जो हाई रिस्क में हैं उन पे इसका ट्रायल आज से शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ लगातार केंद्र सरकार की ओर से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कोरोना को लड़ने के लिए। आज वंदे भारत मिशन की भी शुरुआत की जा रही है, जिससे जो लोग विदेशों में फंसे हैं इस दौरान, जबकि देश में कोरोना है, बाकी पूरे विश्व में कोरोना है, तो वहां से लोगों को लेकर के आया जा रहा है। वो परिवार जो कि बहुत चिंतित हैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर, उनमें कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी। 12 देशों में फंसे हुए लोगों को आज से लाने का काम शुरू किया जाएगा। मनीषा, बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना से अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य को कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है।